गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके लिए आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट टू टॉपिक आया हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट टू। ये मैप ऑफ इंडस साइट है, एक बार मैप को देख लें क्योंकि इससे इसके बाद हम साइट्स के बारे में ही बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के, ये रहा इंडस रिवर, जो इंडस रिवर के आसपास ही पूरा सिविलाइजेशन बसा हुआ है। इंडस रिवर ये यहां पर देखिए, इसकी ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं, ये पंजाब है और इन्हीं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज से आसपास और इंडस रिवर के आसपास सारे साइट्स हैं। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटजी, आमरी, चुन्नादारो, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, इसी प्रकार से इस सारे साइट्स इसी इंडस रिवर के किनारे हैं। आइए देखते हैं मेजर हड़प्पा साइट्स। फ्रेंड्स, इन साइट्स को ध्यान से देखें और क्योंकि ये सारे साइट्स और कहां पर हैं, ये मैप्स का कॉलम में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये जगह कहां पर है, इनके बारे में और किसने इनके इनको डिस्कवर किया है और कब किया है, इन सब चीजों को ध्यान से देखें। जैसे हड़प्पा, जिसको जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में राखालदास बैनर्जी द्वारा की गई, जो लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध और ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर के किनारे है। ये चंपूदड़ो, जो 1931 में इसकी खोज हुई और एन गोपाल मजूमदार और मैकी ने की, जो ये सिचुएटेड इन सिंध ऑन द बैंक ऑफ इंडस, ये भी इंडस के किनारे है, सिंध में है। कालीबंगम, जो 1953 में ए घोष ने की, जो राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ घग्गर, राजस्थान घग्गर के किनारे बसा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मैं आगे और उसके बारे में बताऊंगा। देखिए लोथल, 1953 एस आर राव, गुजरात ऑन भोगावर रिवर गल्फ ऑफ कैम्बे, ये एस आर राव ने लोथल का खोज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट है एंशियंट टाइम का। देखिए बनावली, 1974 में आर एस बिस्ट ने किया, ये जो हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। सुरकोटदा, जिसकी खोज 1964 में की गई, जेबी जोशी द्वारा, कच्छ भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। सुतकाजेंडर, जो 1927 में स्टेलिन आरल द्वारा की गई, जो बलूचिस्तान दस्त रिवर के किनारे हैं। आमरी, जो 1935 में एनजी मजूमदार द्वारा की गई और जो सिंध बैंक ऑफ इंडस रिवर के किनारे है। धोलावीरा, 1985 से 1990 तक आर एस बिस्ट द्वारा की गई, गुजरात रन ऑफ कच्छ के किनारे हैं। रंगपुर, 1953 एम एस वर्ट्स, बीबी लाल एंड एस आर राव द्वारा किया गया रंगपुर की, रंगपुर का खोज, जो बैंक ऑफ महारिन गुजरात। आइए देखते हैं कोटजी, जो 1953 में फजल अहमद द्वारा बैंक ऑफ इंडस के पास है। रोपर, 1953 में वाई डी शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई, जो पंजाब बैंक ऑफ सतलज के किनारे है। बालाकोट, जो 1963 से 76 के बीच इसकी खोज की गई, जो जॉर्ज एफ डेल्स ने किया है और ये अरेबियन सी के किनारे है। आलमगीरपुर, जो 1958 वाई डी शर्मा ने किया है, हिंडौन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखें। आइए देखते हैं एविडेंस फ्रॉम चीफ साइट्स, इन साइट्स से क्या क्या एविडेंस मिला है। इन एविडेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर कॉम्पिटिशन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लीज इसको ध्यान से देखें
और उस साइट्स को भी अच्छे तरीके से देख लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा साइट कहां पर है, अगर मैच द कॉलम आए तो आप आसानी से लगा सकें। आइए देखते हैं हड़प्पा में क्या क्या मिला था। सिमेट्री एच एंड आर 37, ये सिमेट्री एक ब्यूरियल साइट है जो दफनाए हुए लोग दफनाए जाते थे। ये जो आर 37 है, ये आर 37 मीन्स जो हाई सोसाइटी के लोग, एक ही फैमिली के या हाई सोसाइटी के लोग दफनाए जाते थे, उसे R37 में दफनाए जाते थे। कॉफिन ब्यूरियल, जैसे कॉफिन कब्र में डालने से पहले किसी बक्से में बॉडी को डाल करके उसको बरियल किया जाता है, उसे कॉफिन बरियल बोलते थे। 6 ग्रैनरी आउटसाइड द फोर्ट, किले के बाहर जो 6 ग्रैनरी एक साइड में, 6 ग्रैनरी एक साइड में, इस तरह से उन लोगों ने अनाज घर बना रखा था अपना, जहां पर वो अनाज को रखते थे। ग्रैनरी का जो एविडेंस है वो मोहनजोदड़ो में भी मिला हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन ये 6 ग्रैनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हड़प्पा साइड में ही है, वो पूछेगा 6 ग्रैनरी तो आप हड़प्पा ही लगाएंगे। पलुस वर्शिप, पलुस वर्शिप में से शिवलिंग लिंग की पूजा हड़प्पा में की जाती थी। और कॉपर मेड मिरर एंड वैनिटी बॉक्स, देखिए जो कॉपर मेड मिरर भी वहां पाया गया है, वैनिटी बॉक्स मीन सिंगार दान, जो सिंगार का सामान रखते हैं उसे सिंगार दान कहते हैं, वैनिटी बॉक्स। वहां के लोग कितने शौकीन थे और कितने मॉडर्न थे, अपने सिंगार और सजावट के ऊपर कितना ध्यान रखते थे, उस जमाने में भी इस चीज का एविडेंस मिला है। देखिए मोहनजोदड़ो और माउंड ऑफ डेड, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर अस्थियां और कंकाल मिले हैं लोगों को, बहुत सारे कंकाल मिले हैं, इसलिए इसको माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। ये साइट जो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का बड़ा साइट है। ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो वहां का सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था, तो स्नान घर जिसे कहा जाता है वो है, जिसका लंबाई चौड़ाई भी ध्यान रखें, लेंथ 11.88 × 7.01 मीटर एंड डेप्थ मतलब गहराई जो 2.43 मीटर था, ये आजकल के एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, आप इन चीजों का ध्यान रखें। कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसी पैटर्न में ये भी आता है, जो चेंजिंग पैटर्न है। स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल जो कांस का बना हुआ था, वो मोहनजोदड़ो में ही मिला है। द ग्रेट ग्रैनरी, मैंने इससे पहले ही बताया था कि यहाँ पर भी अनाज खनन मिला हुआ है। नटराज स्टैचू, जो नटराज की मूर्तियां हैं वो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में ही मिली हुई है। आइए नेक्स्ट साइट के बारे में देखते हैं, कालीबंगन। देखिए 7 फायर अल्टर एंड कैमल बोन, 7 फायर अल्टर मतलब जैसे 7 फायर अल्टर यज्ञ वगैरह करते हैं, बड़े बड़े फायर अल्टर्स बना करके उसमें ऑन करते हैं, वो 7 फायर अल्टर्स हैं वहां पर कालीबंगन में मिले हैं। और कैमल बोन मतलब ऊंट की हड्डियां भी वहां पर मिली हुई हैं। एविडेंस ऑफ वुडन प्लॉग फील्ड, जो लकड़ी का हल था वो हल से खेती करते थे, इसका भी एविडेंस मिला हुआ है, वो खेती करते थे प्रॉपर हल से। कालीबंगन स्टैंड फॉर ब्लैक बैंगल, कालीबंगन की सबसे फेमस चीज क्या थी, काली चूड़ियां, इसीलिए उसका नाम कालीबंगन पड़ा था। काली चूड़ियां काली बंगल में ही मिलती थी, इसका भी ध्यान रखें। मेनी हाउस देयर ओन वेल, काली बंगल में जो राजस्थान में है वहां पर बहुत सारे घरों में उनमें अपना कुआं मिला है, खुदा को अपना कुआं। सो बोथ प्री हिस्ट्री प्री हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा फेस एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, यहां पर अर्थक्वेक का भी एविडेंस मिला हुआ है। देखिए लोथल, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट इन द वर्ल्ड एंड एशियन लार्जेस्ट पोर्ट ऑब्लिक डॉकयार्ड, पोर्ट ऑब्लिक डॉकयार्ड का मतलब वही है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। पोर्ट ऑब्लिक डॉकयार्ड मीन्स बंदरगाह, कभी पोर्ट भी पूछ लेता है, कभी डॉकयार्ड भी पूछ लेता है। ये पहला एक आदमी द्वारा बनाया हुआ एक पोर्ट है, जो एशियन टाइम का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। अब लोथल में जो गुजरात में स्थित है, जो डबल ब्यूरियल मैन एंड वुमेन बोथ, जो डबल ब्यूरियल मीन्स जो बरीड किए हुए हैं, जो दफनाए गए लोग हैं, कहीं में तो आदमी और औरत एक साथ ही दफनाए गए थे। कॉपर डॉग, कॉपर का डॉग भी मिला है। फायर अल्टर यहां भी मिला है।
इससे पहले जो फायर अल्टर था वो 7 फायर अल्टर था, आप याद रखें 7 फायर अल्टर पूछता है, तो आप 7 फायर अल्टर पूछता है तो कालीबंगा लगाएंगे, और लोथल में फायर अल्टर पूछता है तो आप वहां लोथल लगाएंगे। और शिप डिजाइन सील, शिप मतलब नाव का एक सील भी मिला है जो शिप का डिजाइन किया हुआ है। कंपास जो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एंगल है जिसमें डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वो डायरेक्शन वाला कंपास भी मिला है उस जमाने में, जब आज के जमाने में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को बताने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीजें वही उस जमाने में भी मिली थी कंपास, जिसके सहायता से वो सिर्फ से एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जा सकते थे। रंगपुर, यहां पर एविडेंस ऑफ राइस मिला है जहां पर चावल की खेती होती थी। सुरकोटदा स्टोन कवर्ड ग्रेव, जो कवर होता था उसे स्टोन से कवर किया हुआ, वहां पर सुरकोटदा में इसका साक्ष्य मिला है। हॉर्स बोन जो घोड़े की हड्डियां भी यहां पर मिली हुई हैं। ये देखिए बनावली में टॉय प्लॉट मींस खिलौने का हल भी यहां मिला है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ली ग्रेन मींस वो जौ का बहुत सारा ग्रेन भी यहां मिला है, इससे प्रूफ होता है कि बनावली में जौ की खेती बहुत ज्यादा होती थी। चुरमुदारो बीज मेकिंग फैक्ट्री, बीज मतलब मोती, मोतियों की फैक्ट्री भी वहां पर मिली हुई है चुरमुदारो में, जो गहनों के साथ मोतियां जड़ी जाती थी उस जमाने में, वो इसका प्रूफ यहां से मिलता है। एविडेंस ऑफ डेविस्टिंग, देखिए सिंगारदान और कॉपर से बना हुआ मिरर भी हड़प्पा में मिला था, बट यहाँ लिपस्टिक, कितने शौकीन लोग थे जो लिपस्टिक का भी जमाने में इस्तेमाल किया करते थे। द सिटी हैज नो कैथेड्रल, वहां पर कोई कैथेड्रल नहीं मिला है, और वहां इंक पॉट, एविडेंस ऑफ कॉपर और ब्रोन टूल्स, कार्ट सीट्स, ड्राइवर, ये सारी चीजें वहां पर मिली हुई है। रोपर में देखते हैं बिल्डिंग मेड स्टोन एंड सॉइल, बिल्डिंग्स जो बनाए जाते थे वो पत्थर और मिट्टियों से बनाए जाते थे। डॉग बरिड विथ ह्यूमन के साथ कहीं कहीं डॉग भी बरिड मिला है वहां पे रोपर में। धोलावीरा थ्री पार्ट साइट, ये धोलावीरा का जो ये थ्री पार्ट साइट था, जैसे रूरल एरिया हो गया, सिटी एरिया हो गया, और अदर्स एरिया हो गया, इस तरह से धोलावीरा डिवाइड था तीन पार्ट में। सेकेंड लार्जेस्ट साइट था ऑफ इंडिया का, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये धोलावीरा जो है सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। मैं इसके आगे वीडियोज में भी आपको थर्ड वीडियो में सारी चीजें और भी बताऊंगा डिटेल में। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट थ्री में मैं इंडस वैली के और भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में बताऊंगा। तो थैंक